हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग रहेगा। तो आज हम लोग नामसाई जा रहे हैं, मेरा भी कुछ काम है और मेरा दीदी का भी कुछ काम है। उसका अरुणाचल यूनिवर्सिटी में एक फॉर्म सबमिट करना है और मेरा एक दो दोस्तों से मिलना है। तो अभी हम लोग रुका हुआ है ये ब्रेकफास्ट के लिए, और वो रहा एक मेरा कज़न सिस्टर है, वो भी मैडम है, फिजिक्स मैडम है, और पीछे गाड़ी में एक मैडम बैठ रहा है, वो इकोनॉमिक्स मैडम है। तो वो हम तीनों जो है अभी पहुंचा है, अभी शायद 9 AM। तो हम लोग अभी बीच रास्ता में थोड़ा फ्रेशअप करने के लिए, चाय पीने के लिए रुका हुआ है। तो आज हम बहुत एक्साइटेड क्योंकि हमको बहुत ही बगेरा देखने, हम बहुत सालों से मतलब देखने मन था, तो आज हमको वो देखना है, इससे भी हो और एक दो दोस्तों से भी मिलने वाले हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा। क्या कह रहे हैं? और फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये बस रास्ता का सामने में ही है, रास्ता का किनारे में है, बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी देखते हैं अंदर में कितना सुंदर होता है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है। कंपाउंड बहुत बड़ा है। आपको कैसा लग रहा है एयू? सुंदर है मैं तो ना। चंपोंगा ताबी कौन आकर गूगल की ट्रैक की ट्रैक मैंने जाकर ला नहीं, आउट ऑफ ये हाथ से कुछ बता रहा था। Lovely view of Arunachal University. Namsai में है ये, काफी सुंदर है। ये है Arunachal University Namsai के, जो बहुत सुंदर है। मैंने इतना एक्सपेक्ट ही किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। अरुणाचल में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि हम अलग जगह भी घूम चुके हैं, तो ये कुछ अलग से लोकेशन मिलता है। मिला है मिका? मिल गया, तब तो अच्छे तो वेलकम टू खोमुखम। खोमुखम ना मदहोश नज़र शायरी। तो ये है गोल्डन पगोडा नामसाई में, जो बहुत फेमस है यहाँ में। ठीक है, तो एंट्री फी आप लोग को 10 rupees लगा है यहाँ में घुसने के लिए। काउंटर गेट के सामने में ही है, आप लोग वहां से परचेस कर सकता है।
माय गॉड, ये पूरा फिल्म फिल्म वाला जगह लग रहा है, इतना सुंदर है। तू चालीस में हाँ नहीं सभी को सुंदर लग रहा है। तो ये है गोल्डन पगोडा नामसाई, जो बहुत फेमस है, हर कोई आता है यहाँ पे। जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो बाहर से भी आते हैं, जो बहुत फेमस है और बहुत सुंदर है। अभी हम लोग दिन को पहुँचा है तो थोड़ा सा बहुत गर्मी का वजह से मतलब इतना मज़ा नहीं लग रहा है घूमने के लिए, लेकिन शायद शाम को तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। ओके सीरियसली ये तो काफ़ी सुंदर है। हमको बहुत मतलब बहुत पहले से गोल्डन पगोडा देखने मन था, तो आज हमको देखने मिला है। आज हम सडन प्लान है ये, कल रात को ही हम लोग प्लान बना लिया था कि चलो निकल जाएंगे अभी, तो मज़ा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग बहुत सालों से प्लान करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होता, लेकिन सडन ट्रिप जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसी तरह आज का जो ट्रिप रहा है हम लोग का, मेरा दो कजिन्स है वो दोनों के साथ कल रात को हम लोग प्लान बना लिया था, तो ये ट्रिप हमको बहुत मज़ा लगा है। और ये गोल्डन पगोडा बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा बहुत धूप दे रहा है, तो हम बहुत गर्म लग रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि जल रहा है अंदर से। ये मैडम दोनों यहाँ पर छाया में बैठ रहा है, ये दोनों काफी थक गए हैं। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले दो ब्लॉग्स बनाए थे तो वो थोड़ा लंबा हो गया, तो हर कोई बोल रहा था कि थोड़ा सा कम करो। तो ये शॉर्ट ब्लॉग था ना, मैंने कोशिश किया कि आप लोग को ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए और गोल्डन पगोडा जो नामसाई में है, तो आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो लोग को भी देखने दो कि नामसाई अरुणाचल यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है और गोल्डन पगोडा कैसा दिखता है। इतना सुंदर है, मैंने तो शायद बहुत अच्छा से देखा है, लेकिन ये वीडियो में कितना कवर किया होगा वो मुझे पता नहीं, आप लोग को कैसा लगा होगा। क्योंकि बहुत धूप था, दिन के शायद 1:30 ऐसा था, तो बहुत कड़ा धूप था, तो जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके, मैंने कोशिश किया आप लोग को दिखाने के लिए। तो थैंक यू, टाटा।